नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डोजेस फॉर्म के बारे में, यानी कि उन सभी ऑप्शंस के बारे में, उन सभी विकल्प के बारे में जो कि एक डॉक्टर के पास होता है अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए, अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने के लिए, उनको दवा देने के लिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं डोजेस फॉर्म के टाइप्स के बारे में, और सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में, यानी कि वो सारे डोजेस फॉर्म जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है सबसे कॉमन डोजेस फॉर्म का, उसका नाम है टैबलेट फॉर्म। टैबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म का सबसे कॉमन स्वरूप होता है। उसके बाद नंबर आता है कैप्सूल फॉर्म का। कैप्सूल और टैबलेट ये दोनों आते हैं एक सॉलिड डोजेस फॉर्म में, और ये बहुत ही कॉमन है। उसका बाद नंबर आता है लिक्विड डोजेस फॉर्म का। लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपका सीरप आता है, आपके जो ऑयल होते हैं जो आपके स्किन पर लगाए जाते हैं, आपके बालों लगाए जाते हैं, वो आता है। जो बच्चों के ड्रॉप्स आते हैं वो भी लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत ही आते हैं। अगला नंबर आता है इंजेक्शन का। इंजेक्शन जो डोजेस फॉर्म होता है वो बेसिकली तीन चार प्रकार के होते हैं, सभी से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। सबसे पहला होता है आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस डोजेस फॉर्म, यानी कि ऐसा इंजेक्शन जो आपके नसों में लगाया जाता है। दूसरा आता है आईएम का मतलब होता है इंट्रा मस्कुलर, यानी कि ऐसा इंजेक्शन जो आपके मसल्स में 90 अंश पर लगाया जाता है। तीसरा होता है सबकुटेनियस, यानी कि ऐसा इंजेक्शन फॉर्म जो आपके सबकुटेनियस लेयर पर इंजेक्ट किया जाता है, जब किसी को कुत्ते काट लेते हैं या किसी को जो सुई लगाई जाती है, जो आप डायबिटिक पेशेंट में जो इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है वो भी सबकुटेनियस ही होती है। अगला होता है इन्फ्यूज़न फॉर्म। इन्फ्यूज़न मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर हल्के धीरे धीरे मात्रा में स्लोली स्लोली ग्लूकोज चढ़ रहा होता है, या फिर NS चढ़ रहा होता है, या फिर आयरन सुक्रोज को डॉक्टर जो है पेशेंट को देते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्फ्यूज़न। ये तो आपका इंजेक्शन फॉर्म में आ गया। अगला नंबर आता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का, यानी कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपका आता है क्रीम वगैरह, जो कि आप क्रीम स्किन पर अप्लाई करते हैं, कोई ऑइंटमेंट स्किन पर अप्लाई करते हैं, और आप जो टूथपेस्ट वगैरह करते हैं, ये सारे आते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। और उसके बाद नंबर आता है पाउडर डोजेस फॉर्म का। पाउडर का मतलब होता है कि आपको अगर कभी घमोरिया हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो आप जो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से छिड़कते हैं स्किन के ऊपर, वो आता है पाउडर डोजेस फॉर्म में। उसमें सबसे फेमस, सबसे कॉमन होता है जोकान पाउडर, जोकान डस्टिंग पाउडर, कैंडी डस्टिंग पाउडर, ये सारे आपके पाउडर फॉर्म में आते हैं। अगला होता है पैचेस फॉर्म। जब कोई दवा लेने के योग्य नहीं होता है, या फिर किसी को नशा छुड़वाना होता है, तो डॉक्टर्स जो है पैचेस फॉर्म उसके स्किन पर कहीं लगा लेते हैं, और वो पेंटेट होकर के दवा धीरे धीरे आपके स्किन के अंदर जाती है और अपना एक्शन दिखाती है, तो वो हो गया पैचेस फॉर्म। अगला होता है सब लिंगुअल डोजेस फॉर्म। जैसे कि जो आपके जुबान के बीच में जो चीज़ रखी जाती है, दवा रखी जाती है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो जुबान के नीचे जो दवा रखी जाती है वो सब लिंगुअल होती है, या फिर जो लोग जो है मसाला वगैरह खाते हैं तो उसको पीस करके अपने जुबान के बीच में इंजेक्ट करते हैं, वो भी सब लिंगुअल फॉर्म ही होता है। और इसकी खूबी ये होती है कि इसका जो बायोबिलिटी होती है वो नॉर्मल जो है ओरल डोजेस फॉर्म से ज़्यादा होती है, तो सबकुटेनियस। अगला होता है जो महिलाओं को जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपका कॉपर टी वगैरह हो गया, ये भी प्रकार का डोजेस फॉर्म होता है, और ये भी आप जो है ये भी एक प्रकार का डोजेस फॉर्म ही होता है। ये तो थे कुछ कॉमन डोजेस फॉर्म जो कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप नए चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊं उसका अपडेट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं ऐसी ही दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो लगभग पर डे आपके फ़ोन तक पहुँच सके। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।